न्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध कारु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः। रात्रिकालीन चर्चा के अंतर्गत हम आप लोग शुक्रवार और शनिवार इन दो दिनों में, सप्ताह के अंतिम दो दिन, शेष आध्यात्मिक पाठ का स्वाध्याय लेने का क्रम हम आप लोगों ने प्रारंभ किया है। उस क्रम में बाल ब्रह्मचारी रविंद्र भाई बड़े पंडित जी साहब की रचना जिन मार्ग, इसके ऊपर आठ एक स्वाध्याय हम आप लोगों ने पूरे किए हैं, 10 काव्य पूरे हुए हैं। उसके बाद 11वें से लेकर के 15वें तक 5 छंद बाकी हैं। आज और कल, शुक्रवार और शनिवार, दो दिनों में हम आप लोग इस काव्य का स्वाध्याय सत्र संपन्न करेंगे। फिर अगले सप्ताह कोई नई रचना हम आप लोग लेंगे। देखिए, इस आध्यात्मिक काव्य की पहली दो पंक्ति और 10वें छंद से संबंधित काव्य पाठ हम आप लोग लेते हैं। काव्य पाठ करके फिर दो मिनट में हम आप लोग 10 जो काव्य पढ़े हैं उन 10ों काव्यों की विषय वस्तु की भी 2-4 मिनट में हम आप लोग चर्चा करेंगे। इतना सुंदर इतना सुखमय अहो सहज जिन पंथ है, धन्य धन्य स्वाधीन निराकुल मार्ग परम नीर रंत है। इतना सुंदर इतना सुखमय अहो सहज जिन पंथ है। जिन मार्ग की सुंदरता, जिन मार्ग की सुखमयता और सहजता, स्वाधीनता और निराकुलता और परम निर्ग्रंथता, ये सारे भाववाची विशेषण में हम आप लोग समझ सकते हैं। जो सुंदर होता है वही सुखमय होता है, जो सुखमय होता है वही सहज जिन पंथ होता है, और वही स्वाधीन होता है, निराकुल होता है और परम निर्ग्रंथ निष्प्रह निश्चल मार्ग कहलाता है। पहली अंतरा में हम आप लोगों ने देखा था धर्म पिता के रूप में सर्वज्ञ भगवान को स्थापित किया, तत्वों का शुभ मर्म बताने के प्रयोजन से हितकारी ऐसी मां जिनवाणी की
प्राण प्रतिष्ठा करी और अपनी उंगली पकड़ करके सन्मार्ग में चलाने वाले ज्ञानी निर्ग्रंथ गुरुओं को गुरु के रूप में स्थापित किया, माता पिता और गुरु। दूसरे छंद में देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा, संकित की भावना और ऐसा महाभाग्य हमें मिला है। ऐसे महाभाग्य के अवसर पर हमें तत्व की सही सही पहचान करनी चाहिए, क्योंकि अब सर्व प्रकार से अवसर आ चुका है। ऐसे अवसर बारंबार मिला नहीं करते। तीसरे छंद में पुरुषार्थ की बहुत अद्भुत चर्चा की। निर्णय में उपयोग लगाना केवल सुनने में नहीं बल्कि निर्णय में, तत्व निर्णय में उपयोग का लगाना ही प्रथम पुरुषार्थ है। और निर्णय में उपयोग लगाने वाला तत्व विचारवंत जीव ही परमार्थ को समझ सकता है, आत्मा के रहस्य को समझ सकता है और भेद ज्ञान करके स्वानुभव प्राप्त करके अनंत सौख्य को प्राप्त कर सकता है। ऐसी बात तीसरे छंद में। चौथे छंद में बहुत सुंदर प्रेरणा दी। कोटि उपाय बनाए, करोड़ों उपाय करने पड़े तब भी करो और संयम में अपने चित्त को लवलीन करो। मन में निरंतर ज्ञानाभ्यास करो, तत्वाभ्यास करो और विषय कषायों से हमेशा दूर रहो, क्योंकि ज्ञानी मुनि भगवंत संत भी इसी उपाय से परमानंद का संचेतन करते हैं। और हम आप सभी गृहस्थों को भी सुखी होना होवे तो यही एक राजमार्ग है। पांचवें छंद के अंतर्गत बहुत सुंदर चर्चा की। रत्नत्रय में संपदा जिसके हृदय में प्रकट हुई होती है, पुण्य का उदय हो पाप का उदय हो, लेकिन उस जीव की परिणति अविकारी बनी रहती है, निर्विकारी बनी रहती है। इसलिए ऐसे संत भगवंतों के चरणों में हमें दुखों के भवों का अंत करने के लिए हर हमेशा नतमस्तक होना चाहिए। छठे छंद में बहुत सुंदर चर्चा की। अपने दोषों के प्रति हमें निरंतर प्रायश्चित के परिणाम हो और किसी के चित्त में हमारे प्रति किसी प्रकार के क्लेश संक्लेश पूर्वाग्रह के परिणाम होते हो तो हमें अपने चित्त को क्षुब्ध नहीं बनाना चाहिए, क्षोभ नहीं करना चाहिए, राग और द्वेष के परिणाम नहीं करने चाहिए, बल्कि समता भाव की आराधना में अपने चित्त को अडिग बनाना चाहिए, अटल हमें रहना चाहिए। इसलिए उर्मे सदा विराजे अब तो मंगलमय भगवंत है। बहुत सुंदर है ये, क्योंकि जैसे अभी वर्तमान में रोग महामारी नाना प्रकार की प्रतिकूलताएं आंधी तूफान सब इन प्रसंगों के हम आप लोग साक्षी हैं और इंसान इंसान के बीच में भी मानव मन इतने मलीन हैं कि कोई किसी के उत्कर्ष को सहन नहीं कर सकता। इतनी मलिनता हरेक के चित्त में छाई हुई, क्या राग क्या ईर्ष्या क्या द्वेष, कषाय क्लेश। मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, लौकिक उत्कर्ष भी एक दूसरों को सहन नहीं होता है। तो आप सोचो मन कितने मलीन है जीवों के। तो ऐसी मलिनता की परिस्थिति में हम आप लोगों को अपने चित्त को कितना संभालना चाहिए।
सुना मैंने क्या कहा अभी? हाँ, घर परिवार में देखो आप, दो भाइयों के बीच में नहीं बने, हाँ, देरानी जेठानी के बीच में नहीं बने, हाँ, एक दूसरों और जिन जिन के साथ हमारा निमित्त नैमित्तिक संबंध है उनमें तो बिल्कुल कषाय की होड़ी ही होड़ी चलती है। हाँ, तब ऐसा लगता है कि इससे अच्छा कि हम व्यावहारिक संबंधों के बिना रहते तो कितना अच्छा होता। समझाई छे बधाई ने? हाँ के ना कहीं तो बोलो, स्टील स्टील थया छो बधाई। समझाई छे? घर परिवार में केवी होड़ी हड़गे छे विचार करो। हाँ साहेब, एना करता आपड़े नखोद होइए तो वधारे सारू। हाँ ऐसा लगता है कि नहीं? मन कितने मलिन है आप विचार तो करो। क्षमा भाव हो दोषों के प्रति, क्षोभ नहीं किंचित आवे, समता भाव आराधन से निज चित्त नहीं डिगने पावे, उर्मे सदा विराजे अब तो मंगलमय भगवंत है, धन्य धन्य स्वाधीन निराकुल मार्ग परम निर्ग्रंथ है। इतनी अडिगता की आवश्यकता है। मैं तो कहता हूँ समय सार आदि अन्य ग्रंथ हम आप लोग पढ़े नहीं पढ़े, समझे नहीं समझे, लेकिन एक छोटी सी 15 छंदों की यह कविता भी यदि हमारे दिलो दिमाग में समझ में आ जाए ना, तो अपने आत्म कल्याण का मार्ग हम आप लोगों को प्रशस्त हो जाए। सारा जिनागम का सार है ये। हाँ भले अच्छे समय सार पढ़ करके भी इतनी समता भाव को नहीं धारण कर सकते जितनी की समता इतनी छोटी सी और अपूर्व काव्य को समझने से भी हम आप लोगों के चित्त में आ सकती है। बात समझ में आया? देखो आप कितना सुंदर वाक्य है, जगत ने जाने, जानवानो तो स्वभाव छे ने, हाँ दर्पण छे, स्वच्छता है दर्पण की, यद विद्या दर्पणायते, यदि दर्पण है तो सामने वाले तो प्रतिबिंब तो पड़ने ही वाले हैं ना, उसमें मना थोड़ी ना कर सकते हैं। तो ज्ञान है तो जाने बिना तो ज्ञान रह नहीं सकता है, लेकिन ज्ञान में यदि मोह की दुर्गंध है, ज्ञान में यदि राग का रंग है, द्वेष की मलिनता है, क्षोभ की मलिनता है, तो जुड़े बिना नहीं रहेगा। लेकिन ज्ञान में केवल ज्ञान स्वभाव के अलावा किसी और का रंग न होवे तो जगत ने जाने पण जोड़ाए नहीं। जोड़ाने जुड़ने के लिए वो राग द्वेष आदि की फेविकॉल की आवश्यकता पड़ती है। जगत ने जाने पण जोड़ाए नहीं, तेने ज्ञानी कहेवामां आवे छे। इतनी सुंदर बात सिद्ध भगवान की पूजा में आदरणीय युगल जी बाबूजी ने लिखी है, यदि आप लोगों के पास है तो आप निकाल के देखना। पेज नंबर 114, 114 पेज नंबर है जिनेंद्र रचना में। विज्ञान नगर के वैज्ञानिक, देखो जगत को जाने, तेरी प्रयोगशाला विस्मय, कैवल्य कला में उमड़ पड़ा, संपूर्ण विश्व का ही वैभव। अरे वो ज्ञान में आकर के झलकते हैं तो जाने बिना कैसे रहेंगे, बराबर। पर तुम तो उससे अति विरक्त, ये वीतरागता की पराकाष्ठा। विज्ञान नगर के वैज्ञानिक, तेरी प्रयोगशाला विस्मय, कैवल्य कला में उमड़ पड़ा, संपूर्ण विश्व का ही वैभव। ये सर्वज्ञता की पराकाष्ठा है, लेकिन पर तुम तो उससे अति विरक्त, ये है वीतरागता।
नित निरखा करते निज निधिया, अतएव प्रतीक प्रदीप लिए मैं मना रहा दीपावलिया। ये होती है सर्वज्ञता की वीतरागता। क्या कहा? सर्वज्ञता की वीतरागता ये होती है। जगत ने जाने पण क्या जोड़ाए नहीं, इन्हें ज्ञानी के हाँ? समझ में आ रही है? और हम आप लोग घर में बैठे रहते हैं फिर भी सारी दुनिया के साथ जुड़े रहते हैं। हम आप लोग घर में बैठे रहते हैं फिर भी जुड़े रहते हैं सारी दुनिया के साथ। बाजार खुले हैं कि नहीं, दुकानें कितनी खुली हैं कितनी नहीं है, हाँ सब्जी मंडी खुली है कि नहीं, बोलो। घर में रहते हुए भी बाजार से हमारा संबंध और हमारा नाता जुड़ा रहता है। और सर्वज्ञ भगवान केवली का सब जानते हुए भी किसी से नहीं जुड़ते हैं, यह है वीतरागता की पराकाष्ठा। सोचना आप इस बात को, बहुत सुंदर ये छठा छंद है। सातवें छंद में निशंक निरपेक्ष परिणति की भावना, आराधना में निरंतर लगी रहे, क्लेशित हो नहीं पापोदय में, पाप के उदय में कहीं हमारा चित्त विचलित न हो, चेतना हमारी चलायमान न हो, जिन भक्ति में पगी रहे। ये बहुत सुंदर पंक्ति हृदय श्री का। जिस जिसने भी कल और परसों का व्याख्यान सुना है उस व्याख्यान में बात आई थी, सम्यक दृष्टि ही भाव भक्ति कर सकता है, मिथ्या दृष्टि को भाव भक्ति नहीं होती है। कल के ही प्रवचन में भाव भाव में भक्ति की है जिनेन्द्र भगवान की, लेकिन कहते हैं सचमुच में मिथ्या दृष्टि भाव भक्ति कर ही नहीं सकता है, क्योंकि उसे न भाव का ख्याल है न उसे स्वभाव का ख्याल है। तो भाव भक्ति उसके नसीब में है कहाँ? भाव भक्ति तो सम्यक दृष्टि ज्ञानी ही करता है। समझ में आई बात? हाँ, भाव भक्ति से मतलब सिद्ध भक्ति, स्वयं सिद्ध भक्ति। बहुत सुंदर एक बात मेरे पढ़ने में आई, निर्जरा अधिकार में है। देखो मैं आपको बताता हूँ, निर्जरा अधिकार में बहुत सुंदर बात है, बहुत सुंदर भक्ति है उसमें। उपगुहन अंग से संबंधित वहां उन्होंने ये छंद लिखा है, देखिए मैं पढ़ता हूँ आपको। 233 नंबर की गाथा है, यदि वो हो ना, ये शास्त्र स्वाध्याय यदि ग्रंथ हो ना, शास्त्र स्वाध्याय इसमें है निर्जरा अधिकार में, 233 नंबर की गाथा। जे सिद्ध भक्ति सहित छे, क्या कहा? देखो देव भक्ति की बात नहीं, सिद्ध भक्ति संपूर्णता पूर्णता के लक्ष्य से शुरुआत, परिपूर्ण शुद्ध दशा कृतकृत्य दशा। जे सिद्ध भक्ति सहित छे उपगुहक छे सौ धर्मनो। ये मालूम मैं मुझे क्यों याद आया? आज आप लोगों ने सुना हो प्रवचन, सुना है सभी ने आज गुरुदेव जी का प्रवचन सुबह का, या तो बाद में मेरा यदि सुना हो तो उसमें भी मैंने बात कही थी। वो डाया भाई जिसने पत्र लिखा था गुरुदेव श्री को रामजी भाई के नाम से, हाँ पत्थर खांडे थे ना पत्थर, व्याख्यान माटे जाए चेन पैसा ले चेन फलाना ढीकणा, हाँ अने पछी हमारे रूबरू मळवानुं छे, मतलब वो समय सार सुनने के लिए रूबरू नहीं आने वाला है, वो मैनेजमेंट को दिमाग खराब करने के लिए। क्या कहा? मैनेजमेंट ने मार्गदर्शन आपवा माटे मारे रूबरू मळवू छे। अरे बद्दा भगवान छे अने बद्दा भगवान थाव ए दृष्टि यदि तुझे होवे तो कहीं किसी को सलाह देने की तुझी इच्छा ही नहीं हो। मालूम दुनिया में सबसे सस्ती चीज कौन सी है? हाँ अरब कंट्री में पेट्रोल सस्ता है, पानी महंगा है। वकील साहब, अरब कंट्री में पेट्रोल सस्तो छे पानी बहु मोंगू छे, भारत में सौथी सस्ती कई वस्तु छे खबर? कौन
एक ने मांगो सौ जना आपे, सलाह। हाँ, सलाह सूचन करना ना घना छे आपणे त्यां भारत वर्ष में, एटले ज भारत मेरा मेरा भारत महान। हाँ, मेरा भारत महान आपणे कहीए छे। अरे बदा भगवान छे, बदा भगवान थाओ। गई काले बोल्या तो गुरुदेव श्री ए, जामे जितनी बुद्धि है उतनो दियो बताए, ताको बुरो न मानियो और कहां से लाए। क्या थी लावे बीजे थी भाई, शांति शांति। हाँ, जे सिद्ध भक्ति सहित छे उपगुहक छे सौ धर्मनो। अरे जेना तेना परिणाम तेनी साथे। हाँ, छिन्मूर्ति ते उपगुहन कर समकीत दृष्टि जानो। सांगोपांग इस प्रकार से हम आप लोगों को समझना चाहिए। क्या हमें किसी के दोषों को देखने से लाभ क्या होने वाला है, उल्टा हमारे परिणाम और मलिन होंगे। हाँ, तो जिन भक्ति में हमारी भावना सनी रहे ना, बनी रहे ना, हाँ, निशंक निरपेक्ष आराधना में लगी रहे, क्लेशित हो नहीं पापोदय में, पाप के उदय में प्रतिकूलता में संक्लिष्ट न हो, बस जिनेन्द्र भक्ति में हमारा चित्त लगा रहे। कवि धनंजय जैसे, पता चला कि बेटे को सांप ने डसा है, तब भी भगवान की भक्ति में लीन रहे, विषापहार स्तुति की रचना। ऐसी अचलता, ऐसी अडगता होनी चाहिए, और पुण्योदय में भी अटकना नहीं, अटकना नहीं, ये भी बात इसमें कही है। पुण्योदय में अटकन जावे, तीखे साध्य महंत है। ऐसा आगे 9वें छंद में, जगत चाहे जैसा भी परिणमन करे, इष्ट रूप अनिष्ट रूप, लेकिन मुझे जो सुंदर समागम मिला है उसका मान सम्मान करते हुए मिथ्या संकल्पनाओं को छोड़कर मुझे शांत भाव से जो प्रत्यक्ष मुझे भासता है। क्या सुंदर चर्चा आती है गुरुदेव जी के प्रवचनों में। अरे आत्मा परोक्ष रहे ऐसा आत्मा है ही नहीं, उस स्वभाव से ही प्रत्यक्ष है। चाहे आलिंग ग्रहण के बोलों की बात करे, अव्यक्त के बोलों की बात करे, प्रकाश शक्ति की बात करे, स्वसंवेदनमयी प्रकाश शक्ति, वो आत्मा परोक्ष रह ही नहीं सकता है। हाँ, सूरज को पता है अंधेरा क्या है, क्योंकि सूरज की दुनिया में अंधेरा नाम का शब्द ही नहीं, अंधेरे से उसका कोई परिचय ही नहीं है। ऐसे ज्ञान स्वभाव को अज्ञान से कोई संबंध नहीं। यहां तो अंदर में प्रकाश प्रकाश प्रकाश, दिव्य ज्योति अंदर में स्वभाव में प्रकट हुई। बहुत स्वभाव को प्रतिभाषित करने वाली कविता है। हाँ, और 10वें छंद में, यही भावना प्रभो स्वप्न में भी विराधना रंच न हो, स्वप्न दशा में भी मैं तत्व की धर्म की विराधना न करूं, सत्य सरल परिणाम रहे मन में कोई प्रपंच न हो। प्रपंच शब्द है प्रपंच, दुनिया की पंचायत। हाँ, सारी दुनिया की खबर हमें होती है, हमें अपने आत्मकल्याण की खबर नहीं होती। अपनी खबर रखो। हाँ, अपने को आप भूल के हैरान हो गया। उद्देश्य कितनी बार कहते हैं इस बात को। हाँ, अपने को आप भूल के हैरान हो गया, अपने को आप जान के भगवान बन गए। भगवान बनने का ये मार्ग है। हाँ, दुनिया का पता चलता है, दुनिया की हम खबर रखते हैं। मुझे अब बताओ, इस दुनिया की जो खबरदारी रखने की जो हमारी सावधानी है, इसको मैं तत्व की भाषा में कहूं तो ये हमारा बहिरात्मपना नहीं है, ये बहिरात्मपना नहीं है। क्या कहा मैंने, ये अंतर्मुखी होने के लक्षण है। क्या कहा, समझ में आ रही बात,
यही तो बहिरात्मपना है, सारी दुनिया की खबर रखते हैं लेकिन अपने अंतरंग के परिणामों की हम खबर नहीं रखते हैं। तो आप सोचो तो सही, कितनी हमारी अंदर की तैयारी चाहिए। हाँ, इसलिए भाई समस्त जगत से दृष्टि को हटाकर हमें अपने आत्म स्वभाव की कितनी सावधानी रखना चाहिए, हम आप लोगों को विचार करिए आप। हाँ, सोचना सोचना सोचना, आपको सारे लक्षण हमारे बहिरात्मा के हैं, दुनिया भर के हम लक्षण ध्यान रखते हैं। हाँ, अरे अंतरात्मा अंतरात्मा, पर द्रव्य ते भिन्न आप में रुचि सम्यक भला है, आप रूप को जान पनो सो सम्यक ज्ञान कला है, आप रूप में लीन रहे थिर सम्यक चारित सो ही। तीन पंक्तियों में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चार, सारा रत्नत्रय का मार्ग, और प्योर आध्यात्मिक अंतरंग, अंतरंग से आंतरिक। हाँ, दुनिया से क्या लेना देना भाई। हाँ, कृपालु देव श्रीमद जी से एक बार किसी ने पूछा, समस्त द्वादशांग का सार क्या है? लिख के रखना आप लोग ये बात। हाँ, समस्त द्वादशांग का सार क्या है? कृपालु देव ने बहुत बढ़िया जवाब दिया, समस्त बहिर्मुखता को छोड़कर अंतर्मुखी होना ये द्वादशांग का सार है। हाँ, देखो मैं एक बहुत सुंदर आपको एक यहाँ बहुत अद्भुत बात है, बहुत अद्भुत बात। हाँ, बस इस बात को याद रखिए आप, इसको स्क्रीनशॉट बना के रखिए आप लोग, बहुत अद्भुत बात है। हाँ, मोक्ष मार्ग ऐसी अद्भुत यात्रा है। पढ़िए आप लोग वहां बैठे बैठे घर में, थोड़ा जोर से बोलिए। हाँ, घर में ऐसा लगे कि दिव्य ध्वनि गूंज रही होवे। मोक्ष मार्ग ऐसी अद्भुत यात्रा है जिसमें देखना तीन बातें हैं, राह भी आत्मा है, राही भी आत्मा है, राह भी आत्मा है, राही भी आत्मा है, और मंजिल भी आत्मा ही है। मतलब मार्ग भी आत्मा ही शोधेगा ढूंढेगा, और चलेगा मार्ग पर भी आत्मा ही, और मंजिल को भी प्राप्त करेगा आत्मा। न कोई साथ थे, न कोई साथ है, और न कोई साथ देंगे। क्या कहा? राह भी आत्मा ही है, राही भी आत्मा ही है, और मार्ग को पाने वाला भी कौन है? आत्मा ही है। समझाए छे? हाँ, मैं एकाकी एकत्व लिए सब ही आते, तन धन को साथी समझाता पर ये भी छोड़ चले जाते। हाँ, और दूसरी बात देखना, बहुत मार्मिक बात है, मैं जरूर वो बात आपको बताना चाहूंगा। देखो ये वास्तविकता, बस ये जीवन में याद रखिए आप, जो बीत गई सो बात गई, जीवन में एक सितारा था, माना वह बेहद प्यारा था, जीवन में एक सितारा था, माना वह बेहद प्यारा था, वह डूब गया तो डूब गया, अंबर के आनंद को देखो, अंबर के आनंद को देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे, जो छूट गए फिर कहाँ मिले, पर बोलो
जो छूट गए फिर कहाँ मिले, पर बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है, जो बीत गई सो बात गई। ये वस्तु स्वरूप है। हाँ, तन धन को साथी समझा था, हाँ, पर ये भी छोड़ चले जाते। जिंदगी में साथ निभाता कौन है, हाँ, और जिंदगी के बाद साथ निभाने आता कौन है, सोचो तो सही। आप बहुत सालों पहले मैंने एक डायरी में शेर लिख के रखी थी, बहुत अच्छी बात थी उसमें। कौन किसको याद करता है, कौन किसको रोता है, हाँ, कौन किसको याद करता है, कौन किसको रोता है, हाँ, अपना अपना नसीब होता है। ये उदय की वास्तविकता को स्वीकार करके बहुत शांति और समता हम आप लोगों को रखनी चाहिए। चलिए, दसों छंदों की चर्चा हम आप लोगों ने की, हाँ, दो चार लोग तो मुझे अभी दिखे, पूरे की पूरी चर्चा लगभग पूरी हो गई। चलो आगे बढ़ते हैं। 11वें और 12वें याद है आप लोगों को मैंने क्या कहा था? हाँ, याद है, पॉइंट याद रखना आप। मैंने कहा था अब जिन शिक्षा की बात हुई, अब जिन दीक्षा की बात प्रारंभ हो रही, तो ये 2 सप्ताह पहले, और आपको एक विडंबना और समझो एक मस्ती की बात करूं, लास्ट फ्राइडे और सैटरडे, मैं फ्राइडे सैटरडे है ये भूल ही गया, इसलिए ये स्वाध्याय रह गया अगले लास्ट सप्ताह में। मेरे को याद ही नहीं रहा कि शुक्रवार और शनिवार। सत्ता स्वरूप की ही मस्ती में अपन लोग स्वाध्याय कर गए। हाँ, आप लोगों को याद है कि नहीं? मेरे से ज्यादा स्मरण शक्ति आप लोगों को तो याद होगा ही होगा, लेकिन मुझे किसी ने पूछा नहीं कि शुक्रवार और शनिवार के दिन आपने जिन मार्ग ये काव्य क्यों नहीं लिया। हाँ चलो, अच्छी बात है। कौन किसके करीब होता है, हाँ, कौन किसे याद करता है, यही तो सूत्र लागू पड़ता है ना। तो देखो, आज और कल दोनों दिनों में 5 छंद पूरे होंगे। दीक्षा की बात मैंने कही थी, अंत में कड़ी भी गाई थी 2 सप्ताह भर पहले। हाँ, उपाध्याय से शिक्षा लेकर आचार्यों से दीक्षा ले लूं, समझाई छे। मनुष्य भव की सार्थकता किसमें, सम्यक दर्शन प्राप्त करने में है, या सम्यक दर्शन पूर्वक सम्यक चारित्र अंगीकार करके, मुनि दशा अंगीकार करके मुक्ति जाने में है, बताओ। बोलो, नर भव को पाय कर भूलियो मति, बन जा दिगंबर महाव्रत यति, भावनाए भावो जी वीत राग ध्यावो जी, जिन गुण की आरती संजोय लाओ जी। मात्र सम्यक्त को प्राप्त करने में मनुष्य भाव की सार्थकता नहीं है, सम्यक्त पूर्वक रत्नत्रय की भावना की पूर्णता, उन्हीं दीक्षा अंगीकार करके भावलिंगी संत की दशा अंगीकार करके मुक्ति की साधना करने में मनुष्य देह की सार्थकता है। मोक्ष कौन सी गति से होता है, बोलो जल्दी सभी। नरक गति से, पशु गति से, देव गति से? तो देवों के पास तो रिद्धि सिद्धियां होती है ना, वहां से तो सीधे चले जाते होंगे बिना किसी पेट्रोल के। हाँ, मनुष्य देह से ही मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है, अन्य किसी भी गति से मुक्ति नहीं है। तो मनुष्य गति से मुक्ति को पाना ये मूल उद्देश्य है। आपके पास है जिनेंद्र रचना, है जिनेंद्र रचना, उसमें चौथी ढाल निकालो आप, चौथी ढाल जल्दी। मुझे 2 छंद तो लेने ही है आगे, लेकिन आपको मैं छड़ा ला के बहुत मार्मिक बात बता दूं, चौथी ढाल का अंतिम छंद निकालो। देखो अंतिम छंद है 268, 268 नंबर का छंद है, बहुत मार्मिक छंद है, और हम आप लोग जिस प्रसंग में उसको याद कर रहे हैं वो संदर्भ भी बहुत जोरदार है। देखो,
पंद्रहवां छंद है, 15 नंबर का छंद। बार व्रत के अति चार पन पन न लगावे, बारह व्रतों के पांच पांच जो अतिचार है वो अतिचार हम न लगावे, मतलब निरतिचार व्रत संयम का अंगीकार करें। और मरण समय संन्यास धारी तसु दोष नशावे, देह छूटने के काल में भावना ये भा रहे हैं कि संन्यास अंगीकार करें। संन्यास मतलब क्या है? मुनि दशा। संन्यास अंगीकार करें मतलब मुनि दशा। और यो श्रावक व्रत पाल, मुझे बताएंगे जिनेंद्र रचना किस किस के पास है, छड़ाला कितने लोगों के पास है? वाह बढ़िया, देखना आप बहुत ध्यान से देखना। यो श्रावक व्रत पाल स्वर्ग सोलम उपजावे, इस पंचम काल में अधिक से अधिक ये सोलवे स्वर्ग तक जा सकता है, आगे नहीं जाएगा। और वहां से तहते चय, वहां से च्युत होकर नर जन्म पाए, मनुष्य जन्म को पाकर मुनि है शिव जावे। कहीं समझाणो आमा नियम शू छे? व्रत संयम पूर्वक सोलवे स्वर्ग तक चला जाए, वहां से आकर मनुष्य जन्म को पाकर मुनि होकर के मुक्ति की प्राप्ति करें। समझ में आई कितनी मार्मिक बात है ये? हाँ, इसलिए मैंने कहा मनुष्य भव की सार्थकता मुनि दशा अंगीकार करके मोक्ष की साधना करने में है, मुक्ति की प्राप्ति करने में। समझाई छे? हाँ, देवों के पास चाहे जितनी भी शक्ति हो मोक्ष नहीं जा सकते वहां से। हाँ, मोक्ष नहीं जा सकते वहां से, तो मनुष्य भव में आना पड़ेगा। कर्णान योग सिद्धांत है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम आप लोग। तो जिन दीक्षा की बात है वो 11वें छंद, आप लोगों के पास यदि है तो देख लीजिएगा। धन्य घड़ी हो जब प्रगटावे मंगलकारी जिन दीक्षा, जिन दीक्षा में प्रकट करो। धन्य घड़ी हो जब प्रगटावे मंगलकारी जिन दीक्षा, जिन दीक्षा के लिए प्रवचन सार में पारमेश्वरी शब्द का प्रयोग किया है। पारमेश्वरी जिन दीक्षा, क्या कहा? नोट करके रखना आप, ये बहुत मार्मिक बात है। कई जगह भगवती जिन दीक्षा ऐसा लिखा है, भगवती जिन दीक्षा, पारमेश्वरी जिन दीक्षा। धन्य घड़ी हो जब प्रगटावे मंगलकारी जिन दीक्षा, प्रचुर स्वसंवेदनमय जीवन। ये है समय सार की पांचवी गाथा। निर्मल विज्ञान घन अंतर निमग्न, निर्मल विज्ञान घन में अंतर निमग्न जो है ऐसे मेरे निर्ग्रंथ गुरु परापर गुरु प्रसादी कृत शुद्धात्मान उपासन जन्म, क्या सुंदर विशेषण है। ऐसे प्रचुर स्वसंवेदन में जो लीन है, अमंद आनंद स्यंदी सुंदर ऐसा लिखा है, अमंद आनंद स्यंदी सुंदर, सुंदर आनंद अतिंद्री का झरना निरंतर जिनके झरता होवे, प्रचुर स्वसंवेदनमय जीवन। प्रचुर स्वसंवेदनमय जीवन होय सफल तब ही शिक्षा। देखो ये शिक्षा सफल कब होवे? जब मंगलकारी जिन दीक्षा प्रकट होवे तब। क्या कहा मैंने? सूरत वाला समझाई छे, मळेली शिक्षा, मळेली मने जिन शिक्षा कब सफल थई केवाय? जारे जिन दीक्षा थई। वाह वकील साहब, केवल बीकॉम करवाथी, केवल एलएलबी करवाथी काई नहीं थाय, एक नामी वकील तो थवो जोईए ने, हाईकोर्ट ना जज तरीके। हा, अने पछी रामजी भाई बापूजी जेवा बनीने लात मारी देवानू, नती जोती अमारी आ वकालत, एनु नाम वकालत केवाय।
समझ में आ रही बात? जिन दीक्षा की सफलता जिन सॉरी जिन शिक्षा की सफलता जिन दीक्षा में है, बस ये सुविचार समझना क्या कहा। हाँ, जिन शिक्षा की सफलता जिन दीक्षा में है। अरे जैनेश्वरी दीक्षा की भावना ही नहीं होवे, निर्ग्रंथ मुनि अवस्था की भावना ही नहीं होवे, अपूर्व अवसर ओ क्यारे आवसे। हाँ लइए छे ने अपने स्वाध्याय सवार नो बधो। हाँ, अरे मुनि बनने की भावना, निर्ग्रंथता की भावना, अब हो सफल मेरी। हाँ, बीते अहो आराधना में हर घड़ी मेरी। चलो जाहिरात करी दू, आवता वीक में आपड़े आ निर्ग्रंथ भावना नो पाठ लेश, रिलेटेड अपूर्व अवसर छे। देखिए भाई, जिन दीक्षा की सफलता जिन जिन शिक्षा की सफलता जिन दीक्षा में है। देखो, शिक्षित होने की सार्थकता दीक्षित होने में। क्या कहा? थोड़ा सा हार्ड है वाक्य, शास्त्री विद्वानों को तत्काल समझ में आ जाए ऐसा कहीं समझाई छे। दीक्षित तो थया पर दीक्षित। हाँ, आजे थोड़ो हूँ व्हाइट बोर्ड नो यूज करू छु। हाँ, जो जो आपने दीक्षा तो मळी, बरोबर धर्मनी दीक्षा तो मळी, आपने बे शब्दों नी बात करी ने, आपने केवा जो शिक्षित तो हुए और फिर इसके साथ साथ क्या होना चाहिए, हमें दीक्षित भी होना चाहिए, क्योंकि शिक्षा की सार्थकता किसमें है, दीक्षा में है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। बहुत सुंदर बात है, बहुत मार्मिक बात है, सुनना आप। देखो, संस्कृत में जो बस इस शब्द को आप समझने की कोशिश करना, क्या शब्द है वो पढ़ो तो सही है आप लोग। साक्षराः, साक्षर होते हैं मतलब लिटरेसी, जिनको पढ़ना लिखना आता है उनको बोलते हैं साक्षर, पढ़े लिखे। ओके, अब यहाँ कहते हैं जिन दीक्षा तो जिन शिक्षा तो पढ़ी है, जिनागम का ख्याल है, चारों अनियोगों का अभ्यास है, लेकिन जिनके चित्त में जिन दीक्षा की महिमा नहीं, वैराग्य का ख्याल नहीं, मुनि बनने की हुनर नहीं, हाँ श्रेणी आरोहण करके वीतरागी बनने की भावना नहीं, निर्ग्रंथता की सावधानी नहीं, वे जिन शिक्षा के चाहे जितने भी साक्षर हों, लेकिन वे नियम से राक्षस हैं। क्या मतलब, क्या मतलब, क्या पढ़ा मैंने, अब क्या पढ़ा? अब ये जो शब्द है ना, ये हम आप लोगों ने इसको ऐसा पढ़ा, अब इसको आप ऐसा उल्टा पढ़ो, राक्षसाहा। ये आया राक्षसाहा, क्या हुआ, कुछ समझ में आया आप लोगों को? क्या पढ़ा मैंने और क्या क्या पढ़ना चाहा और क्या समझाना चाहा है अपन? अरे तू साक्षर तो है, तू चारों अनियोगों को पढ़ा लिखा हुआ साक्षर है, पढ़ा लिखा है, लेकिन तेरे चित्त में जिन दीक्षा की महिमा नहीं, वैरागी की महिमा नहीं, तो तू सचमुच में साक्षर नहीं है, तू राक्षस है। ये बहुत सोच विचार के मैं अर्थ कर रहा हूं, याद रखना आप लोग। हाँ, शायद इस बात को सुन करके आप लोगों के दिलो दिमाग में ये भी इच्छा हो रही होगी, यदि हम भी शास्त्री पढ़े होते तो कितना अच्छा रहता। कोई बात नहीं, नहीं पढ़े तो नहीं पढ़े, यहां बताने के लिए है ना बैठे हुए,
साक्षर साक्षरता को चरितार्थ नहीं करता है तो वो राक्षस है। क्या कहा? हाँ, विपरीताहा साक्षराहा राक्षसाहा। क्या कहा? विपरीत बुद्धयः साक्षराहा, जो विपरीत बुद्धि वाले साक्षर हैं वे सारे के सारे राक्षस हैं। जिन दीक्षा तो पाली लेकिन शिक्षा, जिन दीक्षा शिक्षा तो पाली लेकिन जिन दीक्षा का ख्याल नहीं है। सोचो आप, हाँ एक प्रश्न पूछो आप सबसे, कितने साल पढ़ने का इरादा है अभी जिनवाणी? जूनागढ़ की गुफाएं याद आती हैं कि नहीं? याद आनी चाहिए कि नहीं? हाँ, अपने अपने नेमीनाथ क्या क्या कहते हैं और अपनी अपनी राजुल बहने क्या कहती हैं? हाँ, घर में बैठे हुए नेमी राजुल अपने आप से सवाल करो आप लोग। हाँ सोचो तो सही, कुछ नहीं बोलना है आप लोगों को? सुमेर काका नींद आ रही है, कुछ तो बोलो आप लोग। हाँ, घर में बैठे हुए नेमी 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 पंचम काल के नेमी और पंचम काल के राजुल एक दूसरों से पूछना। हाँ जीतू भाई, जीतू भाई अने सुधाबेन, शू आप आधुनिक नेमी अने राजुल नु शू कहवानू छे जिंदगी पर वाचे? बहुत सुनने और समझने जैसा है। शिक्षा का दीक्षा में चरितार्थ होना चाहिए, बात इतनी। शिक्षा के गर्भ में दीक्षा के जीवाणु होने चाहिए क्या? सोचो आप लोग, बहुत मेरा तो दिमाग चकरा रहा है इस बात को सोच करके। धन्य घड़ी हो जब प्रगटावे, मंगलकारी जिन दीक्षा, प्रचुर स्वसंवेदन मय जीवन, हो ये सफल तब ही शिक्षा। देखो, धन्य घड़ी हो जब प्रगटावे मंगलकारी जिन दीक्षा, प्रचुर स्वसंवेदन मय जीवन, हो ये सफल तब ही शिक्षा। पूरा कैलकुलेशन है, ये संधि है दोनों के बीच में। अविरल निर्मल आत्म ध्यान हो, अविरल निर्मल आत्म ध्यान हो, ओ ये भ्रमण का अंत है, धन्य धन्य स्वाद दीन निराकुल मार्ग परम निर्ग्रंथ है। देखो चार बातें आई, जिन दीक्षा शिक्षा और जिन शिक्षा सफल करूं, जिन दीक्षा को अंगीकार करके और जिन दीक्षा अंगीकार करके आत्म ध्यान करूं और भव भ्रमण का अंत। चार बातें, भव भ्रमण का अंत कब होगा? तो कहते हैं आत्म ध्यान होगा तब हो। आत्म ध्यान कब संभव होगा? जब निर्ग्रंथ मुनिपना जिन दीक्षा होगी तब, और जिन दीक्षा तब कब होगी? जब जिन शिक्षा होगी, तत्व की शिक्षा होगी तो जिन दीक्षा होगी। अभी परमात्म प्रकाश के प्रवचन में एक बार चर्चा आई थी 8-10 दिन पहले, मुनिपना अंगीकार किए बिना आत्मा का ध्यान गृहस्थ कर ही नहीं सकता, याद है? 8-15 दिन हो गए, गृहस्थ आश्रम में स्वरूप का ध्यान हो ही नहीं सकता, क्योंकि चारों तरफ राग द्वेष धंधा व्यापार, पैसा कमाओ खाओ पियो, हाँ बच्चों को पढ़ाओ, पड़ोसियों के साथ प्रेम संबंध रखो, अच्छे संबंध रखो, खाओ पियो मौज करो घूमो फिरो,
ये गृहस्थ आश्रम के कार्य है और गृहस्थ करता ही है भूमिका के अनुसार। मुनि पना अंगीकार किए बिना जब तक स्वरूप का ध्यान हो ही नहीं सकता। चार बातें इसमें है, शिक्षा की सफलता, तत्व ज्ञान की शिक्षा तो पाई, उसकी सफलता जिन दीक्षा में और जिन दीक्षा आत्म ध्यान में, और आत्म ध्यान प्रकट करके भव भ्रमण का अंत करूं, इस प्रकार से चार बातें हैं, गहरी चर्चा है। चलिए एक बार इस पंक्ति को हम आप लोग गुनगुनाते हैं। धन्य घड़ी हो जब प्रगटावे, मंगलकारी जिन दीक्षा, प्रचुर स्वसंवेदनमय जीवन, हो ये सफल तब ही शिक्षा। अविरल निर्मल आत्म ध्यान हो ये भ्रमण का अंत है। धन्य धन्य स्वाधीन निराकुल मार्ग परम निर्ग्रंथ है। कितना सुंदर कितना सुखमय अवो सहज जिन पंत है। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार। जपो दिन रैन जो तेरी शरणा गहे, सुपावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोका लोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो ढोक।